मनीष जी से एक लोन लिया हुआ था जिनका काफी टाइम हो गया है, अब तक आपका सर इसमें रिपेमेंट नहीं हुआ है। जी बराबर है, वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। रिकॉर्ड लाइन पे कॉल है, इसके लिए रिकॉर्ड लाइन पे ही बता रहा हूँ, वो जिंदगी में नहीं होगा। आपने किसी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, आप उसको अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं जो कि एक वक्त था इन बैंक और एनबीएफसी से रिक्वेस्ट करता था, इन लोन एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता था कि देखो फिलहाल मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इन बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों ने, लोन ऐप्स के रिकवरी एजेंटों ने उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया, उतना बेइज्जत कर दिया, वो कुछ समझ नहीं पाया कि मेरे साथ में क्या हो गया। आज वो व्यक्ति इतना अवेयर्ड है, इतना जागरूक है, वो लोगों को पूरी तरीके से जागरूक करता है। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में आपको जो भी लगे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं बैंक एनबीएफसी को। देखिए मेरा उद्देश्य किसी बैंक और एनबीएफसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, जो लोगों के साथ में जो रिकवरी एजेंट अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, वो ना करें। फ्यूचर में लोगों को अगर लोन दिया जाए तो सही तरीके से लोन को रिकवर भी किया जाए। आप भी इस कॉल रिकॉर्डिंग को हो सके तो अपने ऐसे मित्रों में जरूर शेयर करें जो बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं। आइए सुनते हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस मिस्टर। यस बोलिए सर। मैं paisabaza.com से बात कर रहा हूँ, सोनू, मनी व्यू के लिए आपसे। कहाँ से? मनी व्यू के लिए आपसे सोनू बात कर रहा हूँ। जी बोलिए जी। मैंने पहले बताना चाहूँगा यहाँ बहुत क्वालिटी एंड ट्रेनिंग परपज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। हमारा भी हो रहा है, आगे बोलिए। हाँ जी, आपने सर मनी व्यू से एक लोन लिया हुआ था जिनका काफी टाइम हो गया है, अब तक आपका सर इसमें रिपेमेंट नहीं हुआ है। जी बराबर है, वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। रिकॉर्ड लाइन पे कॉल है, इसके लिए रिकॉर्ड लाइन पे ही बता रहा हूँ, वो जिंदगी में नहीं होएगा। क्योंकि आपके कंपनी ने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किए, गाली गलौज किए, मुझे गाली गलौज किए और सारे एविडेंस आपके भी सबको दे दिए थे, उसके ऊपर आपने एक्शन लिया? बिल्कुल लिया होगा सर। बताएं बात है तो ये है 2021-22 की बीच की बात। जी आप रिकॉर्डिंग है तो पिछले वाली रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, उस जमाने की आपके पास रिकॉर्डिंग रहेंगी। सर मैं जो बात कर रहा हूँ ना सर, मनी व्यू के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। तो आप बिहाफ से बात करो, देखो आप बिहाफ से बात करो या घमेले से बात करो वो मुझे पता नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास। आप क्या हर रिकॉर्डिंग ये करते हैं, रिकॉर्डिंग करते पिछला रिकॉर्डिंग निकालने का, बात करने का, कस्टमर का सोल्यूशन निकालो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सोल्यूशन आपका निकलेगा सर। और हाँ, मैं चेक कर पा रहा हूँ सर आपका एक ही और भी अकाउंट जो है वो एक्टिव शो कर रहा है, जो कि आपका इनोफिन का, आपको पता है सर इनोफिन? वो बाकी का छोड़ो, आप कौन से आपसे बात कर रहे हैं, बाकी का छोड़ो ना। आप, मैं बाकी की भी बात कर रहा हूँ सर, मैं paisabaza.com से बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना, सिविल इम्प्रूवमेंट, आपके सिविल इम्प्रूवमेंट एंड लोन के ही रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर। नहीं आपको रीपेमेंट के लिए, आपने रीपेमेंट के लिए कॉल किया है कि और क्या चीज के लिए कॉल किया है ये बताओ मुझे सबसे पहले। सर आपके सिविल इम्प्रूवमेंट के लिए सिविल देखो, एक बार इज्जत गई ना तो सिविल मुझे कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे क्या बात को? जी बिल्कुल, सर आपका अकाउंट बताया है अगर यदि आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो नहीं नहीं वो जिंदगी में नहीं होएगा, वो कभी जिंदगी में नहीं होएगा। वो सामने वाले जितने भी है ना उन सबको पता है, उनके अगेंस्ट मेरे पास साइबर सेल कंप्लेंट मारा हुआ है, उनकी सब रिकॉर्डिंग है, उनके कंपनियों को बता दी गई है। वो सीधा बोले कि मत करो आप, आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब सोच रहा था इनोफिन का भी बता दिया। इनोफिन भारत पे बोल रहे हैं आप, इनोफिन बोल दो, भारत पे सबसे बड़ी चोर कंपनी, रिकॉर्डिंग लाइन पे बात है, रिकॉर्डिंग लाइन पे बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चोर कंपनी, फ्रॉड कंपनी इंडिया में, उनके हराम, देखो मैं अभी डायरेक्ट है ना गाली से बात करता हूँ, उन हराम जादों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब भी मिलेंगे ना, 1,10,000 नहीं, उनको पूरा पैसा दे रहा था, मैं भर भी रहा था, उन हराम खोरों ने, गधों को पिल्लों ने मेरे पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल किए, मुझे जान से मारने की धमकी दी, क्या क्या बोले सब रिकॉर्डिंग है, उनके अगेंस्ट भी है ना, ऑलरेडी मैं साइबर कंप्लेंट किया था उस टाइम,
बोला छोड़ो कुछ प्रॉब्लम ना आए, इतनी बड़ी कंपनी है बाकी लोग को लोन देती है या और कुछ चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो ऐसी कंपनियों को ना कैसे सिखाया जाता है ना वो मुझे पता है अच्छे से। शोर कंपनी है, रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ भाई साहब, नाम में नाम पता है ना मेरा क्या है तो अतुल कालपांडे ना, रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ। चोर कंपनी, अगर कंपनी में दम है कोर्ट में मुझे खड़ा करे इनके अगेंस्ट है ना, इतने सबूत है ना मेरे पास, ये कंपनी को दूसरे दिन ही ताला लगा दूंगा मैं, दूसरे दिन। देखिए अगर यदि आपसे बात बढ़ा रहे हैं तो बात बढ़ाने से सर जो प्रॉब्लम हुई है सर। अरे पर आपको मुझे मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या करना है? मैंने लोन लिया है वो कंपनी और मैं देखूंगा, आपको क्या करना है मेरे सिविल से? एक सबसे पहले बताओ आपको कुछ लेना देना है? सर बिल्कुल सर, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर। पर अभी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे सिविल की परवाह नहीं है, मैं भूल चुका हूँ वो चीजों को। और जब सामने से खुद आएंगे ना मेरे पास तब मैं उनको धड़ा सिखाऊंगा। मैंने मेरी तरफ से माफ कर दिया वो लोगों को, जब मेरे पास आएंगे मेरे अगेंस्ट कोर्ट में आएंगे तो मैं देखूंगा उनको, उनके ऊपर कैसा 1 करोड़ का 2 करोड़ का मेरा जो मानहानी का केस है वो कैसे ठोकने का, वो मेरा मेरा जो एडवोकेट है वो दे देगा बराबर, वो फाइल कर देगा, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, अच्छे अच्छे कस्टमर कीजिए। वो आपकी सर जो भी है, हमने सर चेक किया कि आपने आप एलएनटी से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने 3 महीने पहले, और ये जो है आपका ये वो सब मैं नहीं करता हूँ। आपका सर नवंबर मंथ में एलएनटी मेरा भैया भैया आप थोड़ा है ना पैसा बाजार से बाहर निकलो और देखो कहाँ कहाँ कितने स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं, आप खाली ना फोन लगाते हो कस्टमर से बात करते हो, इसके अलावा जो कस्टमर विक्टिम है उसके साथ क्या हो रहा है वो जिंदा रहेगा कि मरेगा, और थोड़ा रिसर्च करो आप। ठीक है, उसके बाद में किसी कस्टमर से बात करो, पहले 2-4 दिन तो ये काम करो कि कोई भी कंपनी है वो कंपनी ने कस्टमर के साथ क्या क्या प्रताड़ना की, क्या क्या बोले गए। अब भी 2 घंटे पहले मैं एक कस्टमर का मेरे पास कंप्लेंट आया, रिलेशन में है, रिलेशन नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, रिपेमेंट चल रहा है, कुछ फंड इश्यू की वजह से कम रिपेमेंट कर रहा है। वहां से फोन आया कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम तुमको अरेस्ट करने के लिए 4 पुलिस वाले भेज रहे। इन सालों को रिकवरी एजेंट को इतना भी अक्कल नहीं है कस्टमर से कैसे बात किया जाए, वो कस्टमर की वजह से इनकी कंपनियां चलती है। अगर मैं चाहूँ ना देखिए मैं चाहूँ ना ये जितनी भी लोन बांटने वाली कंपनी है इनको बर्बाद कर दूंगा, रोड पे लाऊंगा मैं, इतना मेरा सोशल मीडिया पे क्रेज है। उस जमाने में ना 65 कंपनियों को लॉक लगाया था जो चाइना से फंडिंग चल रहा था, तो एक एक को पकड़ के दिया हूँ। एक बार मैं पीछे लग गया ना जिनको छोड़ता नहीं हूँ। अब देखिए सर, आप जो बोल रहे हैं सर, तो सर देखिए इससे आपकी भी प्रॉब्लम की कोई, मुझे प्रॉब्लम सॉल्ट आउट ही नहीं करना है। देखिए मैं आपको और एक रिकॉर्डिंग लाइन पे बात करता हूँ, कंपनियों के नाम भी बताऊँ भारत के। ठीक है, IDFC, मनी व्यू और आपका एक नावी, ये जो 4 कंपनी है इनके को फाउंडर जो भी है, फाउंडर को फाउंडर, ऑन वीडियो ऑन सोशल मीडिया अगर मुझसे माफी मांगते हैं कि हमने हमारी कंपनी ने हमारे रिकवरी एजेंट ने ये गलतियां किया है, मेरे साथ नहीं हर लोगों के साथ किया है, उसके सबूत मैं चाहिए तो दूंगा, हजारों सबूत है मेरे पास। अगर ये लोग सोशल मीडिया पे आके माफी मांगते हैं मेरे सामने, ऑन टाइम पेमेंट है ना, मैं खुद का भी कराऊंगा और जितने मेरे पास विक्टिम आते हैं उनका भी मैं कराऊंगा। आप लेते इसका जिम्मेदारी? इनमें इतना दम है ये फाउंडरों में, ये कंपनी के जो ओनर है इनमें इतना दम है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर देखिए आप अपनी जगह पे सही हैं, बट मैं ये जो चेक कर पा रहा हूँ सर, आपने IDFC फर्स्ट बैंक से ही लोन करवाया था सर, 2 व्हीलर का, आपको याद हो? वो पेमेंट भी कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ सर, आपको टाइम, आपका पेमेंट टाइम से हुआ तो कोई हुई सर, आपको आपने टाइम से सर उसका पेमेंट किया तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई? वो अभी तो सर IDFC फर्स्ट बैंक ही था ना, हाँ तो पर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर उनको पता नहीं क्या लॉकडाउन लगा है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है, एक EMI क्या बाउंस हुआ तो डायरेक्ट गाली गलौज करने का राइट है इनके पास, RBI की गाइडलाइन में है, तो ऐसा मेरे पास हुआ। वो छोड़िए, IDFC ने क्या बोला है पता है आपको? जान से मारने की धमकी दी है मुझे, आपको दिखाऊं? आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे? मैं आपको प्रूफ देता हूँ सर। देखिए हम बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। दूसरा चीज यहाँ सुनिए, दूसरा चीज और, यहाँ पे एक पार्टी है मन से कार्यरत करते, उनका नाम लेके वो क्या करते, रिकवरी करते, ये पता है आपको? क्या मन से का नाम खराब करके रिकवरी कर रहे थे,
वो सब पूरा व्हाट्सएप चैट अभी भी है मेरे पास, पर वो ना जाने वो बंदा बेचारा 18 साल का था, इसके लिए उसको माफ कर दिया मैंने। जान से मारने की धमकी तक दी थी मुझे उसने। मैंने लोकेशन भेजा, भाई कितना दम है ना, आ जा यहाँ पे मार दे मुझे। बाकायदा थाना में कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठ के 4 घंटा उसका इंतजार किया था, आ जा यहाँ पे कितने लोग को लेके आ और मुझे मार दे। चलिए ठीक है सर, वो आपके ऊपर जो भी है सर। और आपको लगता है ऐसा इतना होने के बाद भी कस्टमर इनको रिपेमेंट करे, आपको लगता है? सर इससे जो मैं तो वही कह रहा हूँ सर, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, आज भी आज की डेट में भी थोड़ा सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट करूंगा जो अवेयरनेस के काम करते हैं। मैं खुद अवेयरनेस का काम करता हूँ अभी कि ताकि कोई इंडिया में सुसाइड ना होए ये सब चीजों के चक्कर में। क्या क्या हरासमेंट होती है ना मुझे पता है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट का पूरा एक्सेस लेके ना उसके पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में बताया जाता है कि तुम्हारा रेफरेंस में नाम देके, तुम्हारा पैन कार्ड आधार कार्ड देके लोन लिए। वो सामने वाले को कहीं से अगर अरेंज करने का पैसा मिलता है ना, वो भी नहीं मिलता है। इसके लिए है ना ये सब डिफॉल्ट हो रहे हैं लोग, इनको समझाओ। ये जितनी भी है ना आपसे टाइप है ना, इनको समझाओ कि ऐसा ना करे। मेरे पास हजारों कंप्लेंट आती है सर। हम इतना तक करवा सकते हैं आपके लिए, जो मनी व्यू का आपने 10,000 का लोन लिया है ना, 5,500 में हम आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। 5,000 क्या बोल रहे हैं आप, 1 रुपया नहीं दूंगा भाई साहब। मेरी इज्जत दोगे आप वापस? जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किए उनके वजह से पता है मेरा कितना लॉस हुआ है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। 20 से 25 लाख में मार्केट में मेरा पैसा था वो चला गया है। चलिए ठीक है सर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लीगली फाइट कीजिए। आप बिंदास हूँ मैं कोर्ट में, 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी से ले लूंगा मैं। सारे रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, सारे एविडेंस है। सोच रहा हूँ क्या आप लोगों से फुकट का 1 करोड़ रुपए लूँ आपकी कंपनियों से। मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू, इतना भगवान ने दिया ना उतना बहुत है। खाना हो गया? खाना हो गया। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम मेंशन कर दें। देखिए कंपनी का भी नहीं, थोड़ा कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा देखिए ना कि कंपनी का। मुझे पता है कंपनी बिल्कुल सर, ऐसा ऐसी बात है सर कि हम आपकी बात। देखिए आरबीआई भी है ना, इसका ही भाग लेते हैं। मुझे मैं समझदार उतना मुझे पता है कि देश कैसा चलता है। आरबीआई ना कुछ भी हुआ ना कस्टमर का साथ नहीं देगी, वो देगी बैंक का ही। पर वो कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा देखिए। अगर कस्टमर का ईएमआई बाउंस हुआ भाई, किस कारण हुआ, देते हैं ना पेनल्टी, देते हैं कि नहीं वो लोग? महीने का 2 बार आप ईसीएस लगाते तो 2 बार पेनल्टी देते कि नहीं देते? मैं खुद, मेरी वाइफ है उसके नाम से लोन चल रहे, पेमेंट कर रहे, कभी लेट होता है पेनल्टी दे रहे हैं, 2,000 रुपये पेनल्टी है। 1,000 बैंक भी काट रहा है, 1,000 आपको भी मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है? उसके बाद भी ये गाली गलौज, उसके बाद में जो भी हरासमेंट है, कभी पुलिस कमिश्नर बनना, कभी सीबीआई बनना, और कभी कभी तो है ना पीएमओ बन जाते। हजारों रिकॉर्डिंग आपको मैं दिला सकता हूँ। आज की रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजू, व्हाट्सएप पे शेयर करूँ किस कस्टमर से क्या बात किया है? सर देखिए व्हाट्सएप यूज नहीं होता हमारे यहाँ सर। वीडियो कॉल कीजिए, आपके सिस्टम से वीडियो कॉल कीजिए, आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मेरा भी चेहरा देख लोगे आप मैं कैसा हूँ। सोशल मीडिया पे मुझे आप ढूंढ भी सकते हो कि ये बंदा क्या करता है। सर जो भी आप करे सर। देखिए भैया हम है ना खुल के है ना देशभक्ति के लिए और आदमियों के लिए काम करते, आम जनता के लिए काम करते। गलत को गलत बोलते हम, चाहे वो कोई भी हो, आम इंसान हो या गवर्नमेंट हो, गलत को गलत। हमें हमारे घर में हमें हमारे घर में यही सिखाया गया, गलत को गलत बोलो ना, किसी के सामने घुटने टेको। जान गई तो चलेगा पर गलत को गलत ही बोलो। खुला बोला था मैं भारत पे चोर कंपनी करके, रिकॉर्डिंग लो भारत पे को दिखाओ। ठीक है, जो कंपनी हाँ जो कंसर्न है सर, हमने जो बताया सर, अगर यदि वो आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं सर, फिर मैं आगे मेंशन कर देता। नहीं नहीं आप बोलो ना, ये देखो मैं आपको 4 कंपनी के नाम बताया ना, उनको बोलो कि ये कस्टमर के साथ आपके रिकवरी एजेंट ने ये बात की है, रिकॉर्डिंग मेरे पास सब है, मैं उन दे दूंगा। अगर आप इनके को फाउंडर जो भी है ना, वो ऑन सोशल मीडिया कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे बैठेंगे, अपने पास हजारों यूट्यूब चैनल अपने रिलेटिव यानी फ्रेंड लोगों के, वहाँ पे जाएंगे लाइव डिबेट करेंगे कि देखो हमने, हमारी कंपनी ने, रिकवरी एजेंट ने ये ऐसे ऐसे कस्टमर के साथ ये किया है। इंडिया में जितने भी डिफॉल्ट हो रहे हैं ना, उनको मैं खुद सजेस्ट करूंगा, 4-5 चैनल को बोलूंगा भाई इनका पेमेंट दे दो, ये लोगों ने माफी मांग ली। उनको टाइम देंगे, पेमेंट करवाएंगे, मैं खुद पेमेंट दूंगा, ऑन स्पॉट पेमेंट दूंगा। अगर ये कंपनी हो के, 4 कंपनियों के फाउंडर अगर सोशल मीडिया पे माफी मांगते हैं ना कि हाँ हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल किया, हमने गाली गलौज की। एक सेकंड सर, यह चीज आप कभी मतलब आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं सर,
कभी आप सर ऐसा चीज देखे हैं सर, रिक्वेस्ट हुआ है मतलब क्या क्या बैंक वगैरह रिक्वेस्ट किया है सर कि हम माफी चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर कि कभी आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपने सर कभी ये चीज देखा सर कि कोई भी बैंक जो है माफी मांगता है कि माफी मांगना पड़ेगा? अगर तुमने कस्टमर की इज्जत निकाली है पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो मांगना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो मांगना पड़ेगा। क्यों उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे? राइट किसने दिया था कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करने को? राइट किसने दिया था? आरबीआई ने दिया था गाली देने का? एक मिनट, अभी बोलना नहीं। कस्टमर को गाली देने का राइट किसने दिया था? आरबीआई ने दिया था। अब बोलो आरबीआई ने दिया? मैं आरबीआई को भी नहीं छोड़ूंगा। आरबीआई ना मेरे अंडर में काम करती है, ना कि मैं आरबीआई के अंडर में काम करता हूँ, इसे ध्यान रखना। आरबीआई मेरे लिए, ना कि मैं आरबीआई के लिए हूँ। आरबीआई मेरा देखेगी पहले कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। अगर हम आम जनता एक हो जाए ना तो सब झुकेंगे। दो साल पहले यही क्रेज चला था, जो गलत करता है साले को ठोको, चाहे कोई भी हो, गाली देता है ना, एक रुपया पेमेंट नहीं देने को, कोर्ट में देखेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं आपका कंसर्न मेंशन कर दे रहा हूँ। और बट सर ये जो है ना, इस समस्या का जो है जो भी प्रॉब्लम हुई उसका रिजोल्व नहीं होने वाला है सर। क्या चीज का? वो जिंदगी में रिजोल्व नहीं होगा, मैं तो बोला ना जी, वो जिंदगी में रिजोल्व नहीं होगा। मैं डिफॉल्टर हो चुका हूँ, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में आई है, मैं पैसा कभी देने वाला नहीं हूँ। मैं माननीय जज साहब के सामने पैसा दूंगा, बिंदास दूंगा, उसके अगेंस्ट है ना, मैं मानहानि का जो केस है वो भी डालूंगा, वो भी मैं कंपनी से लूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बोला हूँ, दो लो क्या जाएगा। एक दिन लगा है ना, वन टाइम दे सकता हूँ, उतनी हैसियत अभी है। उस टाइम नहीं था, लॉकडाउन लगा था, पेमेंट लटके थे, पेमेंट आ नहीं रहे थे, टाइम मांगा नहीं दिए, गाली गलौज किए, इसके लिए नहीं दिया मुझे। आप एक बात बताइए, मैंने आपको पैसा दिया है? बिल्कुल सर। हाँ, उधार पैसा दिया है, इंटरेस्ट पे दिया है? इंटरेस्ट पे देना तो गुनाह है, समझ लो। मैंने आपको 2% पे इंटरेस्ट पे दिया, साल का 2% और महीने का मैं बोला आपको 20,000 दिया कि महीने का मुझे 2,000 रुपये वापस दिया करो, जो भी 2% इंटरेस्ट के साथ, समझ लो। कुछ प्रॉब्लम हुआ आपका, ना सैलरी हो आया, समझ लो कोई लॉकडाउन लग गया, तो आप एक महीना ना दे पाए। अगर मैंने आपको गाली दिया कॉल करके, या आपके किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके ऐसा ऐसा बोला कि ये बंदे ने आपका नाम लेके लोन लिया है, आपको कैसा लगेगा? आप रिपेमेंट करेंगे? ठीक नहीं लगेगा, ऐसा राइट ही नहीं है सर किसी के कॉन्टैक्ट में। हाँ, तो ये सब चीज है ना, लॉकडाउन के बाद है ना, जो सेकंड लॉकडाउन लगा, इसके लिए ना कोई रिपेमेंट नहीं कर रहा है कंपनियों का। ये जितने भी आपके पास डिफॉल्ट होगा ना, मैं तो आरबीआई से को बोलूंगा कि इनका रिस्ट्रक्चर कीजिए अच्छे से, फिर से ये लोग भरेंगे, क्षमा याचना हो सकता है। इसके अगर ये कंपनियां चाहे ना, इसके ऊपर भी सोल्यूशन है, पर इनको समझाएगा कौन? कर सकते हैं रिस्ट्रक्चर लोन, कर सकते हैं, देगा कस्टमर, क्यों नहीं देगा भाई? आम इंसान है ना, कभी भी लोन लेता है ना, उसका रिपेमेंट करता है, ज्यादा पैसे वाला